करनाल में मुख्यमंत्री के डेरा कार सेवा में आने वाले कार्यक्रम में विरोध करने का आह्वान शुरू हो गया है। आपको बता दें कि किसान जत्थेबंदियों द्वारा गुरुद्वारा जीटी रोड एवं मानव सेवा संघ में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मुख्यमंत्री के करनाल डेरा कार सेवा में आने वाले कार्यक्रम का विरोध करने का आह्वान किया गया। किसान जत्थेबंदियों की ओर से अंग्रेज सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री अगर करनाल में आते हैं तो उनका विरोध किया जाएगा, क्योंकि हरियाणा सरकार ने किसानों के साथ दिल्ली जाते वक्त जो जातियां एवं मामले दर्ज किए हैं वह बेहद निंदनीय है। इसलिए किसान जत्थेबंदियों द्वारा मुख्यमंत्री का करनाल में आने पर जोरदार विरोध करेंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर डेरा कार सेवा में आयोजित श्री गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आने वाले हैं। किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए बुलाई थी क्योंकि जो किसान एजिटेशन चल रहा है पूरे इंडिया के अंदर, इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कल डेरा कार सेवा में आ रहे हैं, तो अगर वो डेरा कार सेवा में आते हैं आज किसान जथेबंदियों की तरफ से हम उनका विरोध करेंगे। ये इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी क्योंकि जो हरियाणा सरकार ने किसानों के साथ किया है वो व्यवहार अमानवीय था, फंडामेंटल राइट्स का और ह्यूमन राइट्स का दोनों का वायलेशन किया है हरियाणा सरकार ने। ये पहली ऐसी गवर्नमेंट है जो सड़क बनाने की जगह सड़कों को उखाड़ रही थी, किसानों के रास्ते में बड़े बड़े पत्थर, मिट्टी के ढेर और पता नहीं क्या क्या लगा दिए, वो बेचारे इतने परेशान हुए। और ये जो हमारा जीटी रोड है ना, ये केंद्र सरकार की प्रॉपर्टी है, इसमें इनको दखल नहीं देना चाहिए था, वो रास्ता था, रास्ते से जा रहे थे, तो इसीलिए इनका विरोध हम कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात ये है कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री, उन्होंने इसे खालिस्तान एक नाम दिया है कि ये खालिस्तानी प्रोपेगंडा है सारा, इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ किसानों का आंदोलन है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। और जो आपने ये मुकदमे दर्ज किए हैं किसानों के ऊपर, ये भी आप वापस लें, मेरा आपसे आग्रह है। और मैं किसानों को आश्वासन देता हूँ कि अगर कोई मुकदमे ऐसे हैं तो उनको हम बिल्कुल फ्री में कानूनी लड़ाई उनके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसा है बेटे, नहीं पता पीछे दिन पहले कि यहाँ डेरा कार सेवा कलंदरी गेट करनाल में बाबा सुखा सिंह जी के अगुवाई में और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अगुवाई में जो समागम गुरपुरब के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, गुरु नानक देव जी का गुरपुरब है 30 तारीख को आने वाली, कल 30 तारीख है, तो उसमें सीएम मनोहर लाल खट्टर को ये बुला के जो भी इनका प्रोग्राम इन्होंने मतलब जैसा भी किया हो, तो पता लगा कि सीएम आ रहे हैं, तो हमने इनको जाके स्पेशली पूरे जोरदार ढंग से अपील की कि ये आप सरासर गलत कर रहे हैं। और पहले चलो जैसा सिख समाज के साथ भी बीजेपी का जो भी चल रहा है वो भी है बात, और आज नया जो किसानी आंदोलन चल रहा है और टोटली किसान जो सड़कों पर हैं, यहाँ तक कि बच्चों तक जो है लेके अपने मतलब जो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं लगातार, और उसके साथ के साथ ये आप उसको यहाँ बुला के सम्मानित करोगे, ये बिल्कुल बहुत बड़ा असहनीय है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कह तो दिया इन्होंने भी ठीक है कोई बात नहीं हम कैंसिल करवाते हैं, लेकिन पता चला कि जो फ्लेक्स बोर्ड एरा वगैरह लगे हुए हैं वो उतरवाए भी नहीं, तो इस लिहाज से दोबारा अपनी तरफ से पूरा इनको वार्निंग तौर पर कह दिया था बाबा सुखा सिंह जी को, गुरपुरब प्रबंधक कमेटी के जो अहदेदार हैं हरप्रीत नरोला जी हैं, इंद्रपाल सिंह हैं, सभी उनको वार्निंग तौर पे अपील करके भी और वार्निंग तौर पे भी, भाई ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक असह होगा, भाई हम इसको सहन नहीं कर पाएंगे जो आप ये कर रहे हैं, और इसको जो भी आप में गुरपुरब प्रोग्राम में सीएम की जो शिरकत है उसका मतलब बाइकआउट करें, उसको ना बुलाएं। तो हमारे को तो इन्होंने कह दिया भाई हम नहीं बुलाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं गुप्त सूचना मिली कि ये फिर भी बुलाने जा रहे हैं, तो उस लिहाज से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं ये सभी भाइयों सभी काफ़ी जथेबंदियों से बात करके, किसान जथेबंदियों से और अपनी भी जो हमारी सभी गांव में बातचीत करके, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के मैं एक स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि वहां कल सीएम मनोहर लाल खट्टर आता है तो वहां जो भी हमें कुछ करना पड़े हम तो उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, जिस तरीके से भी हमें निपटना पड़े,
बाकी उसका जुम्मेवार या तो ये बाबा सुखा सिंह या गुरपुरब कमेटी के आयोजक होंगे या खुद प्रशासन सरकार होगी। हम बिल्कुल कड़े तौर पर ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.